आज बनाएंगे करेले की बिल्कुल नई रेसिपी जो शायद ही आपने कभी ट्राई करी होगी। इसके लिए दोस्तों हमने कुछ करेलों को गैस पे भूनना शुरू किया है। आपके पास कोई भी स्टैंड हो जिसकी मदद से आप इन करेलों को भून सके तो आप उस स्टैंड का मदद लेके उन करेलों को फटाफट से भून लीजिए। अगर आपके पास स्टैंड नहीं भी हो तो बिना स्टैंड के भी इन करेलों को ऐसे आसानी से भुना जा सकता है डायरेक्टली गैस के ऊपर भी। एकदम जैसे बैंगन का भरता बनता है बिल्कुल उसी तरीके से हमने करेलों को भूनना है। बस बैंगन के भरते में बैंगन को 100% भून लिया जाता है लेकिन इसमें करेले को हम 50-60% ही भूनेंगे। आगे की प्रतिक्रिया बिल्कुल ही आसान है, ये रेसिपी बिल्कुल ही हटके है और एक बार आप ये सब्ज़ी ट्राई कर लेंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते नहीं रुकेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, लगभग 3 करेले ले लिए हैं जो एकदम बढ़िया से तैयार थे, अच्छे से पके हुए थे और इन करेलों को हमने फटाफट से भून लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये लगभग काला होना शुरू हो गए हैं तो आपको तब तक इनको भूनना है जब तक ये आधे लगभग काले ना हो जाएं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे करेले लगभग आधे काले हो गए हैं तो हमें अब झटपट से गैस को बंद कर लेना होगा। थोड़ी सी कमी मुझे लग रही है इसलिए मैं अभी नहीं रुकूंगा, लेकिन हाँ 10-20 सेकंड के बाद मैं बस अपने गैस को बंद कर लेने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये अच्छे से मेरे को लग रहा है कि काले होना शुरू हो गए हैं और जो मैं चाह रहा था 50% वो हो चुके हैं तो मैंने गैस को बंद कर लिया है। अब दोस्तों मैं एक पानी का बाउल ले लेता हूँ जिसमें मैं इन करेलों को अच्छे से वॉश कर लूँगा। वॉश करते वक्त क्या है, जितनी भी कालक है वो मेरी सारी उतर जाएगी। आप चाहें तो 3 की जगह 5 या 6 करेले भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं। मुझे कम क्वांटिटी में बनानी है इसलिए मैंने कम ही करेले लिए थे। अब इनको अच्छे से वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि पानी कैसे आपका काला हो चुका है। बस आप इसके बाद एक बार और इस पानी को चेंज करके वॉश कर लें अच्छे से और उसके बाद दोस्तों हमने इनको काट लेना है। दूसरी बार भी वॉश हो गए हैं, सारी ज़्यादातर कार्बन इसमें से निकल चुका है, गंदगी निकल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फटाफट से पीसेस में स्लाइस आउट कर लेते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शेप जो आपको पसंद हो उस शेप में इसे काट लीजिए। मुझे ऐसे चॉप करा हुआ अच्छा लगता है, मोटा मोटा टुकड़ा, तो बस मैंने इसको उसी तरीके से काट लिया है। काटने के बाद दोस्तों आप इसमें से बीज भी निकाल लें। तो मैं इसे फटाफट से काट लेता हूँ और उसके बाद इसमें से झटपट बीज भी निकाल लूँगा। आप बीज निकाल लेंगे तो ही ये बढ़िया स्वाद आता है इस रेसिपी का जो हम करेले की ये रेसिपी बना के तैयार कर रहे हैं। बीज निकालने में थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 1 ही मिनट में आपके सारे के सारे बीज निकल जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने मैक्सिमम बीज निकालने शुरू कर दिए हैं और ये फाइनली हमारे सारे के सारे बीज अब निकल चुके हैं। अब दोस्तों मुझे एक ओनियन लेके उसको चॉप कर लेना है। तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी के करेले लिए हैं इसलिए मैं एक ही ओनियन ले रहा हूँ। अगर ये करेले थोड़े ज़्यादा होते तो मैं ओनियन 2 या 3 भी ले सकता था। इनको आपको ऐसे चॉप कर लेना है पतला पतला और सारे पीसीस को ऐसे अलग कर लेना है। बस ये अच्छे से चॉप हो गए हैं। अब आपको कोई भी कढ़ाई या पैन ले लेना है जिसमें हम आगे की इस प्रतिक्रिया को पूरा करेंगे और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड करना है। ऑयल के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है और जीरे के साथ साथ दोस्तों अब मैं इसमें डाल लूँगा ओनियन जो अभी मैंने चॉप किए थे। ओनियन को मुझे बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होने देना है और आगे की प्रतिक्रिया इसमें करेले के साथ पूरी करनी है। तो बस इनको अच्छे से घुमा लूँ एक बार ताकि अच्छे से ऑयल लग जाए हर ओनियन पे। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें ऐड करूँगा जो भी करेले हमने धो के और बैंगन के भरते की तरह एकदम भून के रखे थे उन करेलों को अब मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ ताकि ओनियंस के साथ साथ वो भी हल्के सॉटे हो जाए, हल्के फ्राई हो जाए। तो चलिए दोस्तों लगभग मुझे 1 से 2 मिनट का वेट करना है जो मैं इनको कर ही रहा हूँ, क्योंकि प्याज थोड़े से ज़्यादा ब्राउन कलर के अच्छे लगेंगे इस रेसिपी में क्योंकि इनकी एट द एंड ग्रेवी जाके तैयार होनी है। लेकिन ऐसा कुछ भी करेलों के साथ नहीं होना इसलिए करेले मैंने 1-2 मिनट बाद डाले हैं और उसके बाद अब मैं करेलों को भी अच्छे से भून लूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एक बार आप खाएँगे बहुत ही हटके अलग से बन के तैयार होती है। अब इतने अच्छे से भुने जा रहे हैं करेले एकदम फ्राई की तरह, फ्राई भी नहीं हो रहे तो पूरा अंदर तेल भी नहीं जा रहा और अच्छे से बनके तैयार हो रहे हैं। तो आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगने वाली है, बस इनको आपको भूनते रहना है जब तक ऐसा ना लगे आपको कि करेले लगभग 70-80% पक चुके हैं, क्योंकि आगे की प्रतिक्रिया हम इनको ढक के भी पकाने वाले हैं। तो ये अच्छे से हमारे अभी पक रहे हैं तो मैं लगभग 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही पकने दूँगा और उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा प्याज का भी कलर चेंज हो जाएगा,
जैसे कि अभी दिख रहा है आपको, और इनका भी थोड़ा सा कलर फीका होते जा रहा है, ग्रीनीनेस कम होते जा रही है क्योंकि वो पक गए हैं, पहले कच्चे थे। अब मैं इसमें डालूंगा दोस्तों थोड़ी सी टमाटर की प्यूरी। मैंने सिर्फ एक ही बड़ा टमाटर लिया है क्योंकि क्वांटिटी कम थी, करेले भी कम थे, प्याज भी एक ही लिया था, तो मैंने एक ही टमाटर लिया है। अब दोस्तों इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं आप इन करेलों को अच्छे से पकाने के लिए, और साथ ही मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट में डाल रहा हूँ, और इसके बाद मैं हल्का सा नमक भी इसमें डालूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से हमने पका लिया है। बस इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि ये थोड़ा सा दम ले ले, पानी की स्टीम ले ले, और करेले जो 10-20% रह गए हैं पकने से वो भी अच्छे से पक जाएं। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल लेते हैं ताकि करेले अच्छे से पानी में नमक वाले पक के तैयार हो जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया से, बस हमने इसमें अपना इच्छा अनुसार नमक ऐड कर लिया है। अब इसको मैं लगभग 3-4 मिनट ढक के पकाऊंगा ताकि हमारे जो करेले अगर कहीं से कच्चे रह गए हों और जो टमाटर प्याज की प्यूरी है ये भी अच्छे से तैयार हो जाए। बिल्कुल इसकी थिक एकदम करेला शोरबा की तरह बनके तैयार हुआ है, वेजिटेबल शोरबा, गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी थिक इसकी तैयार होगी, बिल्कुल थिक पेस्ट की तरह, क्योंकि हमने पानी इसमें ज़्यादा नहीं डाला है। बस अभी ये 3-4 मिनट हमने अच्छे से पकाए हैं, करेले मुझे लग रहा है लगभग पक चुके हैं। थोड़े से अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर लेता हूँ क्योंकि अभी तक हमने इसमें स्पाइसेस कुछ नहीं डाले, सिर्फ नमक ही डाला था हमारे इच्छा अनुसार। तो अब मैं दोस्तों इसमें इच्छा अनुसार अपने बाकी सारे मसाले भी ऐड कर लेता हूँ। मसाले में दोस्तों सबसे पहले हमें डालना होगा थोड़ा सा रेड कलर के लिए लाल मिर्च, देगी मिर्च है जो, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर, और आप चाहें तो इसमें हल्का गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी हमारी ग्रेवी थिक ग्रेवी बनके तैयार हो जाए, बिल्कुल थिक ग्रेवी का केस पेस्ट, और 1-2 मिनट और पका लेते हैं ताकि 100% हमारे करेले भी पक जाएं अच्छे इस मसाले में और मसाला भी कहीं से कच्चा ना रह जाए। तो बस इसको हल्का सा फटाफट से ढक लेते हैं और अच्छे से इसे पका लेते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही जल्दी बस 2 ही मिनट में और पक के तैयार होने वाली है, और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों इस सब्ज़ी की, और जहाँ आप 3 रोटियाँ खा रहे हैं दोस्तों वहाँ 4 या 5 रोटी खा जाएंगे। इतना बढ़िया करेले पक के तैयार हुए हैं, इतनी बढ़िया ये थिक ग्रेवी में करेला शोरबा बन के तैयार हुआ है, और ये देखिए कितना अच्छे से करेला पक गया है, भाई वाह बहुत ही बढ़िया। ये अच्छे से करेले पक के तैयार हो चुके हैं, हमारी रेसिपी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब आप इसको चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ गार्निश कर सकते हैं, घर में धनिया हो, थोड़ा सा लेमन डालना चाहते हो इसमें, ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से इसको धनिया के साथ हम कर लेते हैं गार्निश, और उसके बाद दोस्तों मैं फटाफट से चलता हूँ क्योंकि ये बढ़िया रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आपको भी जाना होगा और ये रेसिपी को बनाना होगा, बनके ही इतनी बढ़िया तैयार हुई है। जाने से पहले हमारे पेज डिलीशियस फूड को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर ले दोस्तों। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिए।